गुरु साहब ने कहा मेरी आत्मा ग्रंथ है, जदों मेरी आत्मा दे दीदार करने हो तुसी गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ियो, दसां पातशाहीं दी बाणी नूं पढ़ियो, जदों मेरे शरीर दे दर्शन करने हो पंजां चों करियो, पंज प्यारे आ साडे पैंदे ने काल तख्त जिहनूं तुसी सिंह साहब कहिंदे हो, इहनां चों दर्शन करो दसम पातशाह दे हो जांदे ने, जे ना होए तां बादल दे जरूर हो जाणगे। बादल दे दर्शन होंदे ने उहदे परिवार दे होंदे ने, जिन्हां दीआं जनानियां दे जुत्तियां चुकण तक इह सिंह साहब जांदे ने। तो साड़ी आत्मा भी रुल गई दसम पातशाह दी, ते उहदा शरीर भी रुल गया, फिजिकली अगवाई सानू नहीं मिल रही। असीं पंजां प्यारिआं नूं तनखाह दे के सिर्फ अमृत दी दात देण लई ला दिंदे आ जां जलूस दे अगे ला दिंदे आ, साडे पल्ले कुछ नहीं कहण नूं। जदों साडा सिधांत खत्म हो गया पंथ ते ग्रंथ दा, जिहड़े ग्रंथ ते पंथ ने साडी सरपस्ती करनी सी ते कौम दा बनना की आ, ये फिर इहो जिहे ढोल वजो ना, जिस तरह गुरु साहब भाई लालो जी नूं कह गए सी कूड़ फिरे प्रधान वी ला लो, कूड़ नचदा पिया कोठे चढ़ के। अजे सरसे नूं पुछो तेरे प्यो दी फोटो क्यों नहीं लग रही, तेरे प्यो ने जिन्हें अपने बच्चे नूं दूल्हा बनाया पंथ दा उहदी फोटो कित्थे आ? इलैक्शन प्रबंधक कमेटी दे ने ना बादल दी फोटो, ना उहदे पुत दी फोटो, ना उहदी मोह दी फोटो, ना नूह दे भरा दी फोटो, ना बादल दे जवाई दी फोटो, ये गया कित्थे टब्बर? जदों वोटां लैणे नूं उदों सामने आऊगा। पहला मनजीत लुट के लै गया, बादल की फोटो नहीं जी, ये दिल्ली वालों का काम है। जो मनजीत ने चंद चाड़े वो तुहाडे सामने, तो हुण सरसे ने नवें सिरों शुरू करता, दो साल बेमिसाल त्या भाइया तेरा 50 साल का साढ़े सिर ते पिया, इहनूं कौन लाऊगा, इहदी गल कौन करूगा? तेरे 2 सालों च हजामत खाना बन गया लखी शाह बनजारा का हाल, तू नकली डाक्टर दीआं टीमां, नकली डाक्टर दीआं टीमां दे नाल नकली साडे पेशेंट, कोई सुनिया उत्थे गया होवे मरीज करोने दा? तो सारा कुछ नकली, सिर्फ मैक लैके ते अपनियां हद हो गई, मैं कहना किसानां दे मगर मगर आप मैक लैके तुरिया फिरदा, मैं आप प्रशादा बना के लिआंदा, तुसीं आह सब्जी खाओ जी, तुसीं आह सब्जी। कदी प्रधान इन्ना गिरी हुई चीफ हरकतां करदा कितें? इहनां दे अंदर कोई पंथ नज़र आउंदा तुहानूं? मैं छोटा जिहा सी, उन्हां दिनां 'च पक्के मकान नहीं सी हुंदे, साडे पिंडां 'च मोहन सिंह तोड़ वर्गे लीडर आउंदे सीगे कंपेन करन, ते बीबियां कोठे ते बैठ के गाउंदियां हुंदियां सी पंथ तेरे दीआं गूंजां दिनों दिन पैणगियां। पंथ उदों दा पार्टी मन्नी बैठा अकाली दल नूं, जिन्हां जिहदा नजायज़ फायदा उठा के बादल दा टब्बर सानूं लुट गया ते कुट गया ते सानूं बेइज्जत करवा गया। ओह गाउंदियां सी पंथ तेरे दीआं गूंजां दिनों दिन पैणगियां। अज सुखबीर बादल कंपेन करन गया, बीबियां ने पाथियां मारियां उहदे मूँह ते जीरे दे विच, वो कंपेन करन गया ते सारा जिन्नी उहदी खलकत सी उस तों वध उहदा विरोध करन नूं पिंड दे लोक निकले कि खबरदार साडे पिंडां च वड़िया, ते इह अकाली दल दा हाल है। तो खालसा जी साडा सिधांत पंथ ते ग्रंथ दा, मीरी ते पीरी दा है नहीं। अज अकाल तख्त तो फखरे कौम दे खदाम बादल दे टब्बर नूं मिलदे आ, जे कोई विरोधी नूं मिल देनी होंदी तां सज़ा मिलदी है, जस्टिस खत्म हो गया ना, गुरु नानक दी सच्ची पातशाही ते कलंक लग के लगा बैठा होया परिवार। अज प्रबंधक कमेटी बादल दे परिवार दा दफ्तर बनी हुई है, तुसीं दसो कित्थे है प्रबंधक कमेटी? प्रबंधक कमेटी गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी होवे, सरकार बादल दी होवे, प्रबंधक कमेटी बोले ना। तो खालसा जी साडे कोल इक जिहड़ी सिधांतक गल है, वह मीरी ते पीरी ते पंथ ते ग्रंथ, वह साडे कोल है नहीं, असीं उह तों विहूणे जीवन बतीत कर रहे हैं। उहदी वजह प्रकाश सिंह बादल है, वह प्रकाश सिंह बादल अज मूँह दिखाउण दे लोक लायक नहीं रहा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का दोषी आ, वह पंथ का तनखाइया, जिदण सुतंत्र होया अकाल तख्त तो तनखाइया घोषित किया जाऊगा तो उन्होंने तनखाह मिल लगेगी।